आज हम बात करने वाले हैं जन कल्याण पोर्टल के बारे में। तो ये पोर्टल क्या है, किन के लिए हैं, इसके ऊपर क्या क्या रहेगा, तो इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि सबसे पहले आप इस पोर्टल को ओपन किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों ओपन करने के लिए इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, जहाँ पर ईमित्र कियोस्क के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टल हैं वहाँ के सभी लिंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों 7 नंबर पॉइंट पर आपको जन कल्याण पोर्टल का लिंक मिलेगा, आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पोर्टल है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जन कल्याण लिखा हुआ है, पोर्टल का नाम लोगो वगैरह दिया हुआ है, अभी आप देख सकते हैं ये वाला भाग है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, जहाँ से आप अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। अगर ID क्रिएट नहीं करेंगे तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मेनू दिया गया है, आप जस्ट मेनू पर क्लिक करके सभी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा होम पेज भी बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जिसके शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मेनू से जाके भी आप यहाँ पे डिटेल ओपन कर सकते हैं, तो जो मैं आपको आगे बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो इमेज वगैरह हैं, इसके अलावा दोस्तों जो भी सरकारी योजना है उसकी लिस्ट के यहाँ पे शॉर्टकट आपको मिल जाएगा, राजकीय सेवाएँ मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा विभाग की जानकारी मिलेगी, जो भी सरकार ने कार्य किए हैं वो जानकारी, टोल फ्री नंबर चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जानकारियाँ दी हुई है, जैसे दस्तावेज सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज सेक्शन के अंदर मिलेगा वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा डायरेक्टली होम पेज पर भी। इसके अलावा ई कनेक्शन का ऑप्शन है, कार्यक्रम वगैरह है, विज्ञापन है, मीडिया कवरेज है, जो भी मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधन किए गए वो वगैरह सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेनू पे जाएंगे तो मुख्य पृष्ठ पे आने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं, राजकीय सेवाएं, फ्लैशबैक योजना है वो मिलेगी, परियोजनाएं जो भी सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो भी विभाग है, सुशासन जो भी है, तो यहाँ पे सभी जैसे जन घोषणा वगैरह जो भी है, बजट वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा पुस्तिका वगैरह है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों किसी के बारे में डॉक्यूमेंट ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ से अधिनियम है, आदेश है, परिपत्र है, अधिसूचनाएं हैं, वार्षिक प्रतिवेदन है, नागरिक घोषणा पत्र वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कार्य प्रक्रिया है वो आपको मिल जाएगी, जागरूकता मिल जाएगी और जन कल्याण के बारे में। तो दोस्तों इस पोर्टल पे आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको मिल जाएगी, जो कि आम जनता को जरूरत पड़ती है। सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका कंप्लीट यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है, जैसे कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है, पिछले कुछ दिनों में सरकार के बजट के अंदर क्या घोषणाएँ की गई हैं, अगर आपको कोई भी सरकारी योजना में आवेदन करना है तो उसका ऑफलाइन फॉर्म वगैरह है। तो इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो इस पोर्टल पर दी गई हैं। तो दोस्तों अभी तक ये पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ एक जानकारी अभी तक अपडेट नहीं है, तो जैसे ही अपडेट होंगी तो इसके बारे में अलग से कंप्लीट वीडियो भी बना लूंगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए इस पोर्टल के अंदर इतनी ही जानकारी है, लेकिन दोस्तों समय समय पर ये अपडेट होता रहेगा। तो दोस्तों ये पोर्टल कुछ इस प्रकार का ये जैसे जन सूचना पोर्टल था, तो ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बनाकर एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पोर्टल को ओपन नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों पोर्टल ओपन करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, इस पोर्टल को एक बार ओपन करके आप विजिट करें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिरकार ये पोर्टल किसके बारे में है। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।